दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं महाभारत कालीन मणियार मठ। ये आप देख रहे हैं, मणियार भी कहते हैं और मणियार भी कहते हैं, और नागों का मंदिर जहां विषैले सांपों की पूजा होती थी तब बारिश होती थी। आइए हम मठ के भीतर प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं जरासंध कालीन, जब भीम आए थे, भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर के आए थे यहाँ, और जरासंध को मारा था भीम ने, उस स्थान पर हम ले चलते हैं। उसके पहले आप चारों तरफ की स्थिति देख रहे हैं, राजगीर का सबसे पुराना स्थल है, इधर भी आप देखेंगे और इस तरफ आप देख रहे हैं, विद्यालय के बच्चे हैं और लोग यहाँ घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। राजगीर का सबसे पुराना स्थल हम बाहर बाहर दिखा करके भीतर हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। उधर कुछ कुएं जैसा है, गार्ड साहब इसमें क्या है, कचरा हो गया है, अब कचरा फेंकने का स्थान हो गया है। तो दोस्तों अब हमारे साथ बनिए और हम आपको भीतर ले चलते हैं। भगवान शिव की छह भुजाओं वाली प्रतिमा जिसका अवलोकन आप करेंगे। यहाँ विदेशी सैलानी भी आते हैं। अब इस रहस्य को हम नहीं बता पा रहे हैं कि यह क्या था, पहले कोई गोलंबर जैसा रहा होगा दोनों तरफ और उधर कोई कक्ष रहा होता होगा। अब आप यह मोटी दीवालों को देखेंगे, 1 मीटर की मोटी दीवालें हैं मणियार मठ की, मोटी दीवालें। और यह एक बार चतुर्दिक अवलोकन आप करेंगे, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान और भगवान सूर्य अब अस्तांचल की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। अब सीढ़ियां चढ़ते हुए इनको भी आप देख रहे हैं, काफी पुरानी सीढ़ियां हैं। और यह मंदिर इतना पुराना है, यह ईंटों को देख करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना होगा। मुझे तो नहीं लगता, जैसे जरासंध के काल में यानी 5000 वर्ष पहले का बताते हैं, लेकिन इसको देख करके आपको लगेगा कि सच में यह बहुत पुराना होगा। अगर भीतर का गर्भगृह के बाहर बाहर का जो है इसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कितना पुराना होगा। और बनावट इसकी कैसी है, कैसे निर्माण किया गया होगा, यह बाहर से रेलिंग लगा दी गई है इसकी सुरक्षा के लिए, और यह तलवार जैसा नोक बनाया गया है। इनको अगर आप देखेंगे तो यह चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल है यह बहुत ही पुरानी ईंटों से बनाया गया है। और यहाँ जो मंदिर के चतुर्दिक आप देख रहे हैं कुछ मूर्तियां बनाई गई थी जिन्हें तोड़ा गया है। इधर चक्र आप देख सकते हैं, इधर आप चक्र देख सकते हैं। अब इसका अगर आप भौतिक सत्यापन करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कितनी पुरानी इसकी दीवालें हैं। बाद में यह करकट से लगा करके लोहे का इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। और यहीं से स्वर्ण मठ के लिए रास्ता जाता है। यहाँ कुछ काफी तोड़फोड़ हुई है और यहां से अब हम और भीतर चलने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया यह लगभग 1 मीटर चौड़ी दीवालें हैं और यह पुरानी ईंट, लाखौरी ईंटें और कई प्रकार की ईंटें बनती थी, लाखौरी तो यह नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, चौड़ी चौड़ी ईंटें हैं। हाँ हाँ चलिए
कुछ पता चल रहा है, बहुत गहरा थोड़ा है, गहरा थोड़ा है, हरा हुआ। अब देखिए हम आ गए हैं भीतर, सांपों का मंदिर, भगवान शिव को समर्पित मंदिर, और भगवान शिव के उस मंदिर में कुआं भी है, गोलाकार कुआं है। और अब हम भीतर एक बार गुफा के भीतर चलने का प्रयास करते हैं, या बाहर से आप देख रहे हैं। और यहां से जो स्वर्ण जिसका अवलोकन हमने कराया, अब मैं कुएं की तरफ बढ़ता हूं। इधर यह कुआं है, मैं एक बार इसे लेता हूं और दिखाने का। हाँ, यह है कुआं। और बताते हैं यहाँ इस स्थल की रखवाली नाग यानी तक्षक नाग की प्रजात के लोग करते हैं। इधर खतरे से खाली नहीं है, मैंने दिखाया। वैसे कुआं काफी हद तक पट चुका है। अगर ऊपर की स्थिति आप दिखाएंगे तो अपने छायाकार से मैं चाहूंगा कि ऊपर को दिखाया जाए, मैं दिखा रहा हूँ। और बाद में कुछ निर्माण हुआ होगा, यह निर्माण मैं यह नहीं कह सकता कि उसी समय का है, बाद में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया होगा, सरकारों ने किया होगा। अब मैं बाहर चलता हूं। एक ऐसा रास्ता जिसमें दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, यह आपने देखा, अब हम और भी कुछ चीजें दिखाते हैं आपको और चलते हैं नीचे की तरफ। आइए हमारे साथ। अब इन ईंटों को देखिए आप, जैसा कि मैंने उन ईंटों को दिखाया, तो यहां से आप इसको अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। अब ऐसे ईंट किसी ईंट भट्टे में निर्मित नहीं होते, उस प्रकार का कोई सांचा रहा होगा। हाथ से लोग इन ईंटों को बनाते थे और अपने मानव निर्मित ईंट भट्टे में वह लोग इसको पकाते थे। आप अवलोकन कर रहे हैं हमारे साथ मड़ियार मठ का। यहां से आप नीचे से अगर देखेंगे, अब इन ईंटों को देखिए साहब, यह कितनी मोटी और लंबी ईंटें हैं। हम हैं मगध की राजधानी में, मगध की पुरानी राजधानी, जहां भगवान बुद्ध आए, जहां भगवान महावीर आए, जहां गुरु नानक देव आए, और यहाँ के तप्त कुंड में स्नान उन्होंने किया था, उस स्थान पर हैं। और यह स्थान, यह रास्ता यहीं से बंद हो जाता है। इधर आप देखेंगे जंगल है, और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव को समर्पित अष्टभुजाओं वाली उनकी यह मठ है, जिसमें भगवान शिव की पूजा तो होती ही थी, लेकिन जब भी अकाल पड़ता था, जब भी दुर्भिक्ष आता था, जब भी बिहार पर कोई संकट आता था, देश पर कोई संकट आता था, तो यहाँ नागों की पूजा होती थी। यहाँ देवी देवताओं के साथ पशु पक्षियों को भी जोड़ा गया है, और ऐसे तमाम जीव जंतुओं को भी जोड़ा गया है, जिससे कि उनका संरक्षण हो सके और उनको लोग मारे ना। किसी की सवारी मोर है, तो किसी की सवारी चूहा है, तो किसी की सवारी बैल है, तो किसी की सवारी सूकर है, यानी सुअर को भी भगवान से जोड़ करके यहाँ देखा गया है। और काल भैरव की सवारी कुत्ता है, तो यानी किसी जीव जंतु को मारा न जाए, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे जो नागरिक कर्तव्य होंगे उसका उल्लेख किया है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका उल्लेख किया है, जिसमें यह भी है कि हम अपने प्रतीक चिन्हों को, हम अपने राष्ट्रीय स्मारकों को। यहाँ आप एक बार आइए,
इस शिलापट को देख सकते हैं आप। हालांकि विदेशी आक्रांताओं ने सब पर हमला किया है और कोई ऐसा तीर्थ स्थल हमारे यहाँ अछूता नहीं है जहां उन लोगों ने हाथ न लगाया हो, जिसको तोड़फोड़ न किया हो और जिसको विनष्ट करने का प्रयास न किया हो। इधर भी आप देख सकते हैं क्या मतलब है इसका, मैं नहीं जानता। यहाँ भी चबूतरा जैसा है, यहाँ भी गोल चबूतरा जैसा है, उस तरफ भी चौका चबूतरा है और इस इधर भी है चार पायों वाला। तो दोस्तों आपने देखा, और इसमें कुछ खाद वाद डाली गई है, इसका मतलब यहाँ फूल पत्ती कुछ लगाया जाएगा। बिहार शरीफ नालंदा का काफी समृद्ध है और यहाँ देश विदेश से लोग देखने आते हैं। एक बार अगर इधर से आप इस मठ को देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। और यह एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक दशा में लोग यहाँ आते हैं। यह है मड़ियार मठ, महाभारत कालीन मड़ियार मठ, जिसे नागों के मठ के नाम से, नागों के सर्पों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज यहाँ आया, मुझे खुशी हुई। और जो भी इस तरह के स्थान हैं बिहार के नालंदा में, उन्हें दिखाने का प्रयास करूंगा। विनम्रता के साथ हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें।